Good morning, students, and welcome to the class. Today we are going to do the revision for chapter number 3, keeping clean. Being clean, हमारी बॉडी के लिए हमें सफाई करना क्यों जरूरी है? So, the first thing is, everyone likes a person who is clean and tidy. हर किसी को वो लोग अच्छे लगते हैं जो साफ सुथरे रहते हैं. तो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ना है हमने, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है आज हमने, कि हमें अपनी बॉडी की सफाई क्यों रखनी चाहिए. सबसे पहले बेटा, हमें अपनी बॉडी की सफाई इसलिए रखनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी फ्रेश रहती है, क्लीन रहती है, टाइडी रहती है और हेल्दी रहती है, और जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी भी नहीं होती. नाउ द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू कवर इज टीथ. हमें अपने टीथ को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? आप सबको पता है, वी च्यू फूड विद अवर टीथ. हम खाना अपने टीथ से खाते हैं, च्यू करते हैं. किससे? अपने टीथ से. जर्म्स ग्रो ऑन द फूड स्टक इन अवर टीथ. और जब ये जर्म्स होते हैं, ये हमारे टीथ में पैदा होते हैं. हम जब खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स, कुछ बचा हुआ फूड हमारे दांतों में फंस जाता है. अगर हम इसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में जर्म्स लग जाएंगे, और अगर दांतों में जर्म्स होंगे तो हमारे टीथ में कीड़ा लग सकता है, दे विल गेट डैमेज्ड. तो हमें अपने दांतों की सफाई रेगुलरली करनी चाहिए. वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है. वी गेट स्वेटी व्हेन वी प्ले. जब हम खेलते हैं तो हमें बहुत सारा पसीना आ जाता है. अब हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने बात करी कि टीथ की सफाई कैसे करनी है, अब हम बात कर रहे हैं हमने अपनी बॉडी की सफाई कैसे करनी है. जब हम खेलते हैं बेटा, तो स्वेटी मतलब पसीना आना. जब हम खेलते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, और इस पसीने के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स पैदा हो जाते हैं. तो हमें डेली नहाना चाहिए. वी शुड टेक बाथ डेली. अब बात मेक्स अवर बॉडी क्लीन एंड फ्रेश. जब हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी क्लीन और फ्रेश हो जाती है, इसलिए हमें कम से कम दिन में एक बार ज़रूर नहाना चाहिए, और नहाने के बाद हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए. अगर नहाने के बाद हम वही गंदे कपड़े पहन रहे हैं तो हमें फिर वही जर्म्स वापस लग जाते हैं. इसलिए जब भी हम नहाएं उसके बाद हमें साफ़ सुथरे और क्लीन कपड़े पहनने चाहिए. नाउ वी मस्ट एक्सरसाइज डेली. इसके अलावा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी फिट रहे और हेल्दी रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ वॉक पे जा सकते हैं, या आप सुबह सुबह उठ के योगा भी कर सकते हैं. इन सब चीज़ों को करने से आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती है, और आप हेल्दी रहोगे. डर्ट अंडर नेल्स कलेक्ट्स जर्म्स विच कैन मेक अस सिक. तो ये क्या बोलता है, जो मिट्टी और जो गंदगी हमारे नेल्स के नीचे फंस जाती है, उसमें क्या होता है, जर्म्स पैदा हो जाते हैं. तो हमें अपने नेल्स की सफाई भी रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि जो नेल्स हैं के नीचे जो गंदगी है, जर्म्स हैं, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं. अभी तक हमने पढ़ा कि हमें किस किस की सफाई करनी चाहिए, हमारी टीथ की, हमारी बॉडी की, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए. नाउ गुड हैबिट्स क्या होती है? कुछ गुड हैबिट्स अगर आप में हैं तो आप अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं. गुड हैबिट्स में क्या आ गया, कि आपको डेली अपने हैंड वॉश करने चाहिए टाइम टू टाइम. कब कब करना चाहिए? जब भी आप खाना खाते हो तब आपको हाथ धोना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में, दोनों टाइम आपको क्या करना चाहिए. जब भी बच्चों ने खाना खाना है, पहले अपने हाथ धोने और खाना खाने के बाद वापस हाथ धोने. अगर जिन बच्चों में ये गुड हैबिट्स हैं तो वो कभी बीमार नहीं पड़ते. सेकंड गुड हैबिट क्या है, कि आपको अपने नेल्स को नेल क्लिपर से रेगुलरली नेल्स काटने चाहिए, ठीक है. रेगुलरली नेल्स काटने से क्या होगा, जो
नेल्स के नीचे गंदगी जमा हो जाती है, डर्ट जमा हो जाती है, उस डर्ट से जर्म्स नहीं पैदा होते, क्योंकि नेल्स के नीचे तो जब नेल्स कटे हुए होंगे तो वहाँ पे कोई गंदगी नहीं फंसती और आप हेल्दी रहते हो। तो ये भी एक गुड हैबिट है कि आपको अपने नेल्स रेगुलरली काटने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं, अपने नेल्स को रेगुलरली काटते हैं। उसके बाद एक अच्छी आदत और क्या है, एक अच्छी आदत है कि जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें तो उसके बाद आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। आपको कभी भी टॉयलेट को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वेन एवर यूज़ अ टॉयलेट, आपको हमेशा फ्लश करके आना चाहिए बाहर, और आपको टॉयलेट को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी एक गुड हैबिट होती है बेटा। जिन बच्चों में ये गुड हैबिट्स हैं तो वो हेल्दी रहते हैं, एंड कभी भी टॉयलेट्स को डर्टी करके नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो दीज आर ऑल गुड हैबिट्स। अब लास्ट पिक्चर में बताया है कि एक और गुड हैबिट क्या होती है। एक और गुड हैबिट है कि जब भी आपको खांसी आती है या आपको कफ है, छींक आती है, स्नीज, व्हेन यू स्नीज आल्सो, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना मुंह किसी साफ हैंकी से कवर कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, ताकि जब आप स्नीज करते हो या जब आपको खांसी आती है तो कभी भी आपके माउथ से या नोज से जर्म्स इधर उधर नहीं गिरते हैं। इसलिए हमें हमेशा साफ हैंकी यूज़ करना चाहिए, ताकि हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए सेफ्टी रख सकें और किसी को हमारी वजह से कुछ हार्म ना हो। सच गुड हैबिट्स कीप जर्म्स अवे। अगर हम में ये सब गुड हैबिट्स है तो हम जर्म्स को बहुत दूर भगा सकते हैं। गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो गुड हैबिट्स होती हैं वो हमें हेल्दी रखती हैं और स्ट्रॉन्ग रखती है। चिल्ड्रन विद गुड हैबिट्स आर लाइक बाय एवरीवन। और वो बच्चे, आपको पता है ना, जैसे और वो बच्चे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, जिनके अंदर गुड हैबिट्स होती है। तो बेटा कुछ गुड हैबिट्स हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, और ये सब गुड हैबिट्स हम सभी बच्चों में होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने अपनी सफाई और गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ा, उन गुड हैबिट्स के बारे में जो हमें हेल्दी और फिट रखने के लिए हेल्प करती है। बेटा अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप इस चैप्टर को वापस रीड करेंगे, और कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने डाउट्स लेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।